मालाओं की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, शिव दीपावली का जो ये 3 दिनों का महोत्सव पहली बार इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसकी शुरुआत की गई है, उसकी छटा तो जब आप यहाँ पर आएंगे, नौका में बैठेंगे, गंगा में जाएंगे और घाटों की तरफ अभिमुख होकर के जब ये दर्शन करेंगे, तब आपको वो अनुभूति होगी कि इन ज्योतियों का मतलब है क्या, इन ज्योति द्वीपों का मतलब है क्या। ये आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जाएंगी। वैसे भी बार बार हम सुबह से ये कह रहे हैं कि ये काशी का भूभाग पूरी पृथ्वी से एक अलग भूभाग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और गंगा के बीच में से घाटों की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री 12 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके परिवारजन के साथ इस वक्त शिव दीपावली का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद आप किसी भी दिन आकर के यहाँ पर काशी में ले सकते हैं। और वही अद्भुत आनंद आपको उस आनंद की वन में लेकर के जाएगा जिसके लिए काशी जानी जाती है, जिसके लिए इस काशी को आनंद कानन या आनंद वन कहते हैं। कहते ही इसीलिए है कि ये दीपक की जो ज्योति है वो आपको उस परब्रह्म की ओर लेकर के जाती है। दीपो ज्योति जनार्दन है, क्योंकि दीप की ज्योति को हम जनार्दन मानते हैं, भगवान की संज्ञा दी जाती है। और जो हमारे ऋग्वेद हैं उसकी जो शुरुआत हुई है वो भी अग्नि से ही हुई है, और भगवान राम के नाम में जो र अक्षर है वो अग्नि का बीज मंत्र है। इस तरह से जो हम दीप